सो आज हम बात करने वाले हैं रुद्राक्ष माला। रुद्राक्ष माला क्या होती है? तो रुद्राक्ष माला ऐसी होती है, और रुद्राक्ष माला के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। आपके हेल्थ के लिए भी बहुत सारे इसके आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। रुद्राक्ष माला सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है अगर आप महादेव के भक्त हैं और आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शिव से कनेक्ट करना या फिर महादेव तक अपनी इच्छाएं पहुंचाना, तो आपको ये रुद्राक्ष माला चैंटिंग के लिए यूज़ करनी चाहिए। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो या किसी भी महादेव का महादेव के मंत्र का जाप कर रहे हो, इसको यूज़ करके आप वो कर सकते हैं। 108 बीट्स में ये आती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात होती है वो ये कि इसे सिर्फ एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है, तो एक रुद्राक्ष माला हर कोई घर में यूज़ नहीं कर सकता जाप करने के लिए। तो ये आपकी इंडिविजुअल होनी चाहिए, और इसे आपको गले में नहीं पहनना। इससे आपको चैंटिंग करनी है, तो चैंटिंग के लिए अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो इसको आप गले में नहीं पहनेंगे। अगर आप गले में पहनना चाहते हैं रुद्राक्ष, तो आप कोई और माला लेके वो पहन सकते हैं, बट सेम माला रुद्राक्ष की आप गले में नहीं पहन सकते। अच्छा, तो रुद्राक्ष की माला के जप करने से, इससे चैंटिंग करने से होता ये है कि आपका ऑरा क्लींस होता है। जो आपके ऑरा में जो सारी नेगेटिविटी आ गई है वो उसको रिमूव करता है, और साथ ही आपके 7 चक्रास को ये हील करता है, मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। तो आपके सारे चक्रास को एक्टिवेट करने के लिए रुद्राक्ष की माला बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है, तो ये तो आप अपने आप ही समझ पाओगे। जब भी आप ये माला अपने हाथ में लेके चैंटिंग करोगे तो आप में वो एनर्जी आ जाती है, आपका क्राउन चक्रा ओपन हो जाता है, और आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो अपने भगवान से। तो ये लॉर्ड शिव के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लॉर्ड शिव का करने के लिए। बट अगर आप अपने कुलदेवी का जाप करना चाहते हैं, कुलदेवता का जाप करना चाहते हैं, उसके लिए भी महादेव की जो ये हमारी रुद्राक्ष माला है, जो महादेव के जाप के लिए हम यूज़ करते हैं, इसको आप उस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही आप इस माला को अपने टेंपल में भी रख सकते हैं, जो भी आपका छोटा मंदिर है आप उसमें भी रख सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं। बस इसको एक पर्सन ने ही यूज़ करना होता है, हर किसी की इंडिविजुअल अलग मालाएं हो सकती हैं। और गले में डालने वाली माला आप अलग अलग से रख दीजिए, और जो जाप करने वाली माला है उसको आपको अलग से रखना है। वो जाप करते करते ही आपके ऑरा में आप एनर्जी फील करने लग जाते हो, तो अगर आप डल फील कर रहे हो या फिर ऐसा आपको लग रहा है कि कोई नेगेटिविटी आपके ऑरा में आ चुकी है, आप सडनली डल फील कर रहे हो, नाराज़ फील, उदास फील कर रहे हो, तो उस टाइम पे भी आपने मंत्र जाप करना चाहिए। आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का भी जाप करते हैं और इस माला के साथ स्पेशली, तो आपको जो डिफरेंस पता चलेगा वो अल्टीमेट होगा नॉर्मल माला से और इस रुद्राक्ष की माला से। जो शिव का ध्यान करते हैं, शिव तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न उन पे हो जाते हैं और उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप ये रुद्राक्ष माला यूज़ कर सकते हैं।